जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। न्यू प्रयास एसोसिएशन व सनटेक इंडिया लॉजिस्टिक के अध्यक्ष श्री के आर शर्मा जी के यहां के आर शर्मा जी ने प्रदेश के आरएसएस सह संघ संचालक प्रताप यादव जी को मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बुलाया हुआ था। उनके शुभ हाथों से एक पौधा यहाँ पर लगवाया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर सेक्टर 10A से रेणु गुप्ता, पूर्व पार्षद अश्वनी शर्मा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन से उमेश जी, के गांधी, जगत पाल जी और इसके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति जिसमें कि कल्याण सिंह, कविंदर, चिताम्बरम, पिताम, प्रदीप जी, सतीश यादव और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद वशिष्ठ जी, हरिप्रकाश जी, मनोज पटानिया जी, कल्याण शर्मा जी आए हुए थे। इस समय यहाँ पर जोर दिया गया था इस बात पर प्रताप यादव के द्वारा कि पर्यावरण को लेकर के हमें धरती ही नहीं बल्कि समुद्र के अंदर जो पर्यावरण फैला हुआ है उस पे बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। इस समय मौके पर मौजूद रहे केशव वैष्णव ने पौधे को पानी देकर के अपना फर्ज निभाया, जिसकी सभी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। श्रीपाल शर्मा ने बताया कि हम सभी को अपने घरों में पर्यावरण को लेकर के चिंतित होने के साथ ही पानी की बचत को लेकर के भी चिंतित होना चाहिए और फ्लश के रूप में जो हम पानी को फ्लश कर देते हैं, अधिक कई लीटर पानी उसमें चला जाता है, उसको बचाने की भी आज आवश्यकता है। सभी लोगों ने कहा कि हम एकमत होकर के पर्यावरण, पानी, इन सभी को बचाएंगे और 3R पर काम करते हुए भविष्य के लिए अपने बच्चों को कोई परेशानी ना हो उसके लिए कार्य करेंगे। आइए देखिए ये खबर हमारे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ कुछ भाई बंधुओं के साथ, बहनों के साथ अनौपचारिक बैठना। बैठक का कुछ मकसद होता है? कोई मकसद नहीं, मिलना, बैठना, चर्चा करना। सर, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज आपने पौधारोपण भी किया है, उसके बारे में बताइए कार्यक्रम उसके बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस ये आज का पूरे विश्व के सामने सबसे चुनौती वाला काम है और मैं व्यक्तिगत इस बात को मानता हूँ कि अवस्था ही नहीं आनी चाहिए कि दिवस मनाना पड़े। पर्यावरण वैसे ही शुद्ध रहना चाहिए, नहीं है इसलिए दिन मनाने की स्थिति आ गई है। आज के समय में जो विकट समस्या बनी हुई है ये पर्यावरण की, प्रदूषण की, तो उससे मुक्ति का एक क्या स्ट्रांग उपाय हो सकता है? मुक्ति का एक पहले अपना व्यक्तिगत समझ बढ़ाना, भई हम पर्यावरण को एक एक क्षण कैसे बचा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा काम सिंगल यूज प्लास्टिक पर नियंत्रण करना, ये दूसरा काम। इससे काफी बदल पर्यावरण पर पड़ने वाला है। तीसरा एक अनुपात में वृक्षारोपण होना। हमारे इस प्रोग्राम में अनुपात में वृक्षारोपण नहीं सोचा गया है, प्लॉट करते गए, बनाते गए, चलते गए, तो उतना होना। एक जीवन पद्धति का बदलाव होना कि हमारे जीवन पद्धति पर्यावरण अनुकूल हो, जो पर्यावरण को अहित ना करे, ऐसी जीवनचर्या हो, दिनचर्या हो। सर, घरों में जो कचरा फैलता है और उसे सीवेज की फ्लो को सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, क्यों ना हम उस कचरे को खाद के रूप में प्रयोग करें, इसके बारे में? ये कौन बनाएगा? अपने यहाँ किचन गार्डन बनाया जाए, हम अपने घर पर अपनी छत पर किचन गार्डन विकसित कर सकते, अपने घर का खाद अपने घर पर उपयोग कर सकते, सामान्य बात। बनाएगा कौन? पर्यावरण डे, भाई कचरा मैं निकाल रहा हूँ, बनाएगा कौन? क्या अभी भी हम उस कल्पना में रहना चाहते हैं क्या? कुछ मैला ढोने वाले दूसरे भाई बंधु होंगे, क्यों होंगे? तो इसमें ऐसा है कि हम ऐसे छोटे छोटे मॉडल विकसित हो भी गए, हम भी प्रयोग कर रहे हैं, तो अपने अपने कचरे का खाद के रूप में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अपने घर में किचन गार्डन लगा करके उससे हमारे घर को थोड़ी सब्जी भी ठीक मिल सकती है, छोटे छोटे सामग्री भी ठीक मिल सकती है और जितना वो सहयोग कर सकेंगे उतना वायु पर भी प्रभाव। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, आप पर्यावरण डे के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण डे के ऊपर भारतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भारतवासियों से एक निवेदन करना चाहते, मैं कोई संदेश देने की क्षमता में नहीं हूँ, कि जो समस्या आई है विश्व के सामने आई है इसका भारतीय चिंतन में ही समाधान है और उसके लिए मैंने पहले बताया वो सबसे ज्यादा जीवन शैली, जीवन पद्धति को पर्यावरण अनुकूल करना, इसी से समाधान निकल जाएगा। लेवल भी उसका कम हो रहा है प्रदूषण के साथ साथ में, तो उससे कैसे निजात पाएं? तो उस पर घरेलू उपाय पे बात बताऊं या सामूहिक बताऊं?
सर घरेलू से शुरुआत करते हैं। हाँ, घरेलू में हमें वॉशिंग मशीन नहीं रखनी चाहिए। बर्तन भोजन करते वक्त हमारी पद्धति में आगे अधिक इस्तेमाल होते वो कम करने चाहिए। जब हम फ्लश रखते हैं उसको कम करना चाहिए। और जल पीने के लिए भी हम जब देते हैं तो सामान्य हमारी पद्धति में क्या है, गिलास और जग रखना चाहिए, जिसको जितना डालना पिए। हम क्या करते, पूरा भर के रखते हैं, उससे भी पानी की बचत कम होती है। तो ऐसा छोटा 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 अपने घर में वस्त्रों पर, अपने रसोई में आरओ का इस्तेमाल घटाना चाहिए। उसका उपाय है, सूती कपड़े की तह से पानी फिल्टर करके आप चार पत्ते तुलसी के डाल दो, उसमें मसड़ के लौंग डाल दो, अजवाइन डाल दो, जो उपलब्ध है वो डाल दो, आपका पानी बैक्टीरिया फ्री रहे। इतना बहुत है। बताइए आज जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में बताइए क्या। मेरा नाम श्रीपाल शर्मा है, आप सभी को नमस्कार। और मैं कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन से अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाता हूँ। आज ये विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम यहाँ इकट्ठा हुए और माननीय प्रताप जी हमारे मुख्य अतिथि, जिनसे हमने पौधारोपण करवाया और हम सभी साथ रहे। और हमारा मानना यही है कि भाई हम इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक शपथ लें कि भाई हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। कम से कम एक संदेश ये दिया गया है कि भाई हमारे हिंदू समाज में जब दाह संस्कार किया जाता है तो 3 क्विंटल लकड़ी लगती है। तो कम से कम अपने जीवन में एक शपथ तो जरूर लें, एक पौधा तो लगाएं कि 3 क्विंटल लकड़ी जो हमारे जलाने में काम आए वो तो हम पैदा करके जाएं। तो मैं इसी के साथ इतना ही कहूंगा। सर, वायु प्रदूषण की समस्या बनी हुई है तो कौन से पौधे जो है वायु प्रदूषण को ज्यादा अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं? सबसे ज्यादा बरगद और पीपल का पेड़, जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो मेरा सुझाव यह, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे है और जितने भी टोल टैक्स बने हैं जहाँ गोल चक्कर है, वह बहुत बड़ी बड़ी जगह खाली है, उनके बीच में पीपल और बरगद के पेड़ लगाए जाए। श्रीपाल जी, आप इंडस्ट्री के प्रधान भी है और इंडस्ट्री से धुआं भी निकलता है और सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी फैलाया जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए आपको? देखिए, इंडस्ट्री से भारत का विकास है तो उस धुएं को तो हम कैसे रोक पाएंगे, लेकिन उसका एक इलाज है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ये कार्यक्रम किया गया विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे इस बारे में? बताएं। मेरा नाम जगतपाल सिंह है, गुड़गांव में मेरी इंडस्ट्री है और गुड़गांव की जो सेक्टर 37 की इंडस्ट्री एसोसिएशन है उसमें ऐसे जनरल सेक्रेटरी का पद निभा रहा हूँ। और जो पर्यावरण वाली दिवस वाली जो बात आज की आपने, ये अच्छा प्रोग्राम था, जागरूकता के लिए अच्छा प्रोग्राम है, सबने अपने अपने सुझाव दिए। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट के स्तर पर जो काम होने चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन पर थोड़ा सा हर कोई यहाँ बोल नहीं पाया, वो मैं सुझाव देना चाहता हूँ अगर आप मुझे समय दो। जी सर, बताइएगा आपके सुझाव क्या है। मेरा सुझाव ये है कि जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा हुआ है और जो सर्दियों में जाके और बढ़ जाता है, उसमें से अगर हम 100% में से देखना चाहें कि कितना परसेंट कौन सा चीज़ प्रदूषण करती है, तो इंडस्ट्री का नंबर जाके कहीं 10-15% ही आता है। इंडस्ट्री की वजह से या इंडस्ट्री में जनरेटर चलने की वजह से 10-12-15% ही आता है। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री दिख जाती है तो सारे नियम कानून इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं और सब उन्हीं की तरफ पीछे डाउन आ सकता है। ये वायु प्रदूषण कम आ सकता है, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन है, सबसे ज़्यादा काम जो है व्हीकुलर पोल्यूशन कर रहे हैं, व्हीकल्स पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। वो दूर की योजनाएँ तो हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, लेकिन जो अभी इस समय पॉल्यूशन कर रहा है, जो अनऑथराइज व्हीकल हैं, उन सबको अगर गवर्नमेंट सही से टैकल कर ले तो ये पोल्यूशन वैसे ही डाउन आ जाएगा। इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं जाना पड़ेगा और इस तरह के दिन बनाने अच्छा है। सर, बाइकर्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्या लोग साइकिल का यूज कर सकते हैं? नहीं, अगर उसे स्टेटस सिंबल की तरह ना देखा जाए तो कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए हैं, बहुत सारे यूज हो रहे हैं, उससे डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा ही, इस पॉल्यूशन के कम होने में फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। साइकिल भी यूज करेंगे, साइकिल भी यूज कर रहे हैं लोग, उसकी जागरूकता भी बढ़ रही है, लेकिन ऑफिस जाने के लिए तो ऑब्वियसली गाड़ी है, उसका यूज करेगा हर कोई। बहुत बहुत धन्यवाद सर।